अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इरफान मलिक। नाजरीन, आपको बताते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं कुपवाड़ा के त्रहगाम इलाके में। इस वक्त की अपडेट आपको दे रहे हैं, कुपवाड़ा के त्रहगाम इलाके में छत से बर्फ गिरने की वजह से एक लेडी की मौत हो गई है, जिसकी एज जो है 60 से ऊपर बताई जा रही है। अभी भी हमने SHO त्रहगाम अब्दुल रशीद से भी बात की है, उन्होंने भी इस इंसिडेंट को कंफर्म कर दिया। उसके 7 बजे ये हादसा हुआ त्रहगाम, कुपवाड़ा के त्रहगाम इलाके में। 60 साला रहमा बेगम, वाइफ ऑफ अब्दुल सुबान मलिक की मौत वाकया हो गई आज सुबह 7 बजे, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल लेने की कोशिश की गई मगर रास्ते में ही उसकी मौत वाकया हो गई। रहती है, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपने घरों में ही रहिए, बिला वजह बाहर निकलने की जरूरत नहीं, जिससे आपके जान को खतरा हो सके। देखते रहे कश्मीर क्राउन। माँ लगती थी मेरी। क्या हुआ है? क्योंकि सवेरे जब उठी बाथरूम के लिए, तो यहाँ बाथरूम हमारा सामने है, यहाँ बाथरूम के लिए आई थी। यहाँ से वापस जाते समय अब अंदर जाना चाहती थी, ऊपर से बर्फ का तोदा आया, जो हमारे छत का बर्फ है वही उसके ऊपर गिर गया, तो उसी के नीचे दब गई। फिर हमने उसको निकाल के अंदर कमरे में ले गए, तो हमने डॉक्टर भी बुलाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, इंजेक्शन दिए, तो उसके तकरीबन 10 मिनट बाद वो इस दुनिया से चल बसी। ये बताइए आपको रोडों की हालत, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है रोडों पे इस वक्त, तकरीबन 2-3 फीट अभी जमा हुआ है, तो आना जाना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आना जाना लोगों को यहाँ। तो अभी आपको नहीं, अभी तक तो कोई हेल्प नहीं मिली है, बस एडमिनिस्ट्रेटर से यही हम कहना चाहेंगे कि जो ये रोड है इनको साफ़ किया जाए, स्नो कटर जो है उनको लगाया जाए ताकि ये रोड साफ़ हो जाए, जो भी हमारे मेहमान हैं गेस्ट्स हैं वो यहाँ आराम से आ सके। तो बिजली तो है ही नहीं हमारे पास, कल दिन से बिजली हमारे पास नहीं है, और हम चाहेंगे कि बिजली भी बहाल की जाए आज दिन में, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट्स हमारे घर में हैं, तो हमारे पास बिजली का उतना तगड़ा इंतज़ाम नहीं है, तो अगर बिजली बहाल की जाए तो हमें भी थोड़ा उससे फ़ायदा मिल जाएगा।